मारू महला पहला हुक्म भाया रहना नहीं दुर फाटे चीरे एह मन अवगण बांधिया सह देह शरीरे पूरे गुर बख्साई है सब गुण है फकीरे क्यों रहिए उठ चलना बुझ शब्द विचारा जिस तू मेलह सो मिले दुर हुक्म अपारा रहाऊ जू तू राख है त्यू रहा जो देह से खाऊं जू तू चलावह त्यू चलना मुख अमृत नाऊ मेरे ठाकुर हाथ बढ़ियाँ मेलह मन चाऊं कीता किया सलाहिए कर देखे सोई जिन किया सो मन बसे मैं अंबर ना कोई साचा सलाहिए साची पत होई पंडित पढ़ ना पहुँचई वह आल जंजाला पाप पुण्य दुई संग में खुदिया जमकाला बिछोड़ा भव विसरे पूरा रखवाला जिन की लेखे पत पवे ते पूरे भाई पूरे पूरी मत है सच्ची बड़ियाई दिन दे टोट न आवई लैले थक पाई खार समुंदर ढंडो लिए एक मणिया पावे दुई दिन चार सुहा बना माटी तिस खावे गुर सागर संत सेविये दे टोट न आवे मेरे प्रभ भावन से उजले सब मैल भरीजे मैला उज्जल तांथिये पारस संग भीजे बन्नी साचे लाल की किन कीमत कीजे फेकी हाथ न लभई तीर्थ नहीं दाने पूछो वेद पंडतिया मुठी बिन माने नानक कीमत सो करे पूरा गुर ज्ञाने ईश्वर इच्छा से अगर मौत का बुलावा आ गया तो इस सच्चाई को मान लो कि अब संसार में नहीं रहना है यह मन अब गुणों में बंधा हुआ है इसलिए मनुष्य दुखों को सहता है यदि पूर्ण गुरु से क्षमा दान पाया जाए तो सब गुनाह छूट जाते हैं जब मृत्यु अटल है एक ना एक दिन हर किसी ने जग से चले जाना है तो सदैव कैसे रहा जा सकता है शब्द गुरु द्वारा चिंतन करके रहस्य को समझ लो हे ईश्वर जिसे तू मिलाता है वही मिलता है तेरा हुक्म अटल है रहाऊ जैसे तू सुख दुख में रखता है वैसे ही रहता हूँ जो तू देता है वही खाता हूँ जैसे तू चलाता है वैसे ही चलता हूँ मुँह से तेरा नाम अमृत जपता रहता हूँ मेरे ठाकुर जी के हाथ में सब बढ़ियाँ हैं साथ मिला लो मन में यही चाव है परमात्मा द्वारा पैदा किए गए जगत की क्यों प्रशंसा करें वास्तव में वही सब की देखभाल करता है जिसने पैदा किया है वही मन में बसता है उसके अलावा अन्य कोई महान नहीं उस परम सत्य ईश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए तो ही सच्चा सम्मान मिलता है पंडित अनेक ग्रंथों का अध्ययन करके भी अपने लक्ष्य सत्य तक नहीं पहुंचता अपितु दुनिया के जंजालों में ही उलझा रहता है पाप एवं पुण्य में फंसकर यम एवं माया की भूख उसे दुखी करते रहते हैं जिसे पूर्ण प्रभु बचाने वाला है उसे वियोग एवं भय भूल जाता है जिनकी सेवा भक्ति सफल होती है वही पूर्ण संत है पूर्ण संत की मति भी पूर्ण होती है उसे ही सच्ची बड़ियाई मिलती है ईश्वर सदैव देता रहता है जिसमें कोई कमी नहीं आती किंतु जीव ले लेकर थक जाते हैं यदि खारे समुन्द्र में ढूंढने से कोई एक मोती मिल भी जाए तो वह दो चार दिन ही सुंदर लगता है आखिरकार उस मोती को मिट्टी निगल जाती है यदि सत्य के सागर गुरु की सेवा की जाए तो कोई कमी नहीं आती जो मेरे प्रभु को प्रिय लगते हैं वही उज्जवल हैं एवं अन्य सभी पापों की मैल से भरे हुए हैं पापों से मलिन हुआ जीव तभी उज्जवल होता है जब वह गुरु रूपी पारस से मिलकर नाम अमृत से भीग जाता है सत्य रूपी लाल का नाम रंग उसे ऐसा चढ़ जाता है कि उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।
भेष धारण करने, तीर्थों में स्नान एवं दान पुण्य से भी सत्य प्राप्त नहीं होता। वेदों का पाठ करने वाले पंडितों से पूछ लो, इस सत्य को न मानने वाली दुनिया ही लुट रही है। हे नानक, जिसे पूर्ण गुरु ज्ञान प्रदान करता है वही नाम रतन की सही कीमत कर सकता है। मारू महला पहला, मन मुख लहर घर तज विगुचे, अम्बरा के घर हेरे ग्रह धर्म गवाए, सतगुर ना भेंठे दुर्मत घूमन घेरे। दिसंतर भवे पाठ पढ़ थाखा, तृष्णा हुई बिधेरे, काची पिंडी शब्द न चीने, उदर भरे जैसे ढोरे। बाबा ऐसी रवत रवे सन्यासी, गुर के शब्द एक लिव लागी, तेरे नाम रते त्रिपतासी। रहाऊ घोली गैर रंग चढ़ाया, वस्त्र भेख भिखारी, कापड़ फार बनाई खिथा, झोली माया धारी। घर घर मांगे जग पर बोधे, मन अंधे पत हारी, भरम भुलाना शब्द न चीने, जुए बाजी हारी। अंतर अगन ना गुर बिन बुझे, बाहर पुअर तापे, गुर सेवा बिन भक्त न होवी, क्यों कर चिन्नस आपे। निंदा कर कर नरक निवासी, अंतर आत्म जापे, 68 तीर्थ भरम विगुच है, क्यों मल धोपे पापे। छाणी खाक विभूत चढ़ाई, माया का मंग जोहे, अंतर बाहर इक न जाने, साच कहे ते छोहे। पाठ पड़े मुख झूठो बोले, निगुरे की मत ओहे। नाम न जपई क्यों सुख पावे, बिन नावे क्यों सोहे। मुंड मुंडाई जटा सिख बांधी, मौन रहे अभिमाना, मनुआ डोले दह दिस धावे, बिन रत आत्म ज्ञाना। अमृत छोड़ महाविख पीवे, माया का देवाना। कीर्तन मिटई हुक्म न बुझे, पशुआ मह समाना। हाथ कमंडल का पड़िया, मन तृष्णा उपजी भारी। स्त्री तज कर काम व्याप्या, चित लाया पर नारी। सिख करे कर शब्द न चीने, लपट है बाजारी। अंतर विख बाहर निभराती, ता जम करे खुआरी। सो सन्यासी जो सतगुर सेवे, विचह आप गवाए। छादन भोजन की आस न करई, अचिंत मिले सो पाए। बके न बोले खिम्मा धन संग्रहे, तामस नाम जलाए। धन ग्रही सन्यासी जोगी, जय हर चरणी चित लाए। आस निरास रहे सन्यासी, एकस सिउ लिव लाई। हर रस पीवे ता शांत आवे, निज घर ताड़ी लाए। मनुआ ना डोले गुरमुख बुझे, धावत वर्ज रहाए। ग्रह शरीर गुरमति खोजे, नाम पदार्थ पाए। ब्रह्मा विसन महेश सरेसट, नाम रते विचारी। खानी वाणी गगन पताली, जनता जोत तुम्हारी। सब सुख मुक्त नाम धुन वाणी, सच नाम उर धारी। नाम बिना नहीं छूटस नानक, साची तर तू तारी। स्वेच्छाचारी जीव जोश में घर बार त्याग कर भटकता फिरता है, और दूसरों के घर देखता है, वह गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करता। सतगुरु से उसकी भेंट नहीं होती, अतः वह दुर्मति के भंवर में ही फंसा रहता है। वह देश दिशांतर भटकता है, धर्म ग्रंथों के पाठ पढ़ पढ़ कर मायूस हो जाता है, जिससे उसकी तृष्णा में और भी वृद्धि हो जाती है। वह नश्वर शरीर शब्द के भेद को नहीं जानता, और पशु की तरह पेट भरता रहता है। हे बाबा, सन्यासी का जीवन आचरण ऐसा होना चाहिए कि गुरु के शब्द द्वारा उसकी परमात्मा जी में लगन लगी रहे, और हरि नाम में रत रहकर तृप्त हो जाए। रहाऊ वह गेरु रंग घोलकर भगवे वस्त्र धारण कर लेता है, और भेष रचकर भिखारी बन जाता है। वह कपड़े फाड़कर गोदड़ी बनाकर धन पाने के लिए गले में झोली डाल लेता है। वह स्वयं तो घर घर जाकर भिक्षा मांगता है,
किंतु जगत के लोगों को धर्म उपदेश देता है।